तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास, विकास एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कि ये बल्लब हो चुका है बहुत ही गंदा, और आज हम इसे धोएंगे। नहीं, मेरा मतलब कि हम इसे पानी में जलाएंगे कि ये पानी में जलता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया है इस मंगे में पानी, और ले लेंगे ये 10 रुपये वाला 100 वोल्ट का बल्लब, और हम इसे इस पानी में जलाएंगे। तो हम इसको जला लेते हैं कि ये बल्ब जलता है या नहीं। तो ये बल्ब जल रहा है, आप देख सकते हैं ये बल्ब बहुत ही अच्छे तरीके से जल रहा है। ये थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम की वजह से ब्लिंकिंग कर रहा है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ और इसके केबल को थोड़ा बड़ा करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही सेफ्टी की ज़रूरत है। तो मैं इसे जलाकर दिखा देता हूँ कि ये जल रहा है। तो देख सकते हैं ये बल्ब जल रहा है। उसके बाद हम पानी का मग लेंगे और उसमें इस बल्ब को लगाएंगे कि क्या होता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बहुत ही सेफ्टी से करने के लिए मैं ले लेता हूँ ये लकड़ी का टुकड़ा, और इसको फंसा कर इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो मैं इस पानी में इस बल्ब को जैसे ही डुबोता हूँ तो ये पानी में भी जलता है, और ना ही ये फूटता है और ना ही ये बंद होता है। ये पानी में भी बहुत ही अच्छी तरीके से जल रहा है। मैं इसे थोड़ी देर पानी में रखता हूँ कि यह जलता रहता है या नहीं। तो देख सकते हैं ये बहुत ही देर तक पानी में रखने के बाद भी ये बल्ब खराब नहीं होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से जलता रहता है। ये पानी में थोड़ा अच्छी तरीके से डूब नहीं रहा है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये पानी में पूरा डूबा हुआ है और फिर भी जल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मैं इसे बंद कर लेता हूँ और बाहर निकालता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, और अब हम इसे जलाते हैं। तो देख सकते हैं ये पहले की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से जल रहा है। ये थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम की वजह से ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से पहले जैसे बल्ब जल रहा है। तो अब हम इसे थोड़ी देर 15 से 20 मिनट तक चालू रखकर बाहर ही इसमें पानी में डुबोएंगे कि क्या होता है। तो हम इसे 15 से 20 मिनट तक ही ऐसे ही जले रहने के लिए छोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे एक मग में ले लिया है, खाली मग्गे में। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़े से वजन रख दिया है ताकि ये ऊपर ना।
बाहर निकाल लेते हैं और इसके अंदर वाली स्प्रिंग भी टूट चुकी है तो हम इसे खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं हम इसकी स्प्रिंग को वापस लगा के इसे जलाते हैं कि अब क्या होता है, ये जलता है या नहीं। तो मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ और इसे एक और बार जलाने का प्रयास करते हैं स्प्रिंग को जोड़ के कि ये जल पाता है या नहीं। तो चलिए हम इसकी केबल को लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं इसमें एक बार शॉर्ट सर्किट हो चुका है और ये बंद हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि मैं ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लाते रहता हूँ।